हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आज बात करेंगे पीएनएसटी एग्ज़ाम, जो आज का पेपर है 7 जुलाई का, उसमें सेकंड शिफ्ट के बारे में। सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसका एनालिसिस करेंगे पूरा, कि क्या पैटर्न चेंज हुआ है या फिर वैसा ही चलता रहा है। सुबह तो बहुत इजी था, मॉडरेट टू हाई नहीं कह सकते आप, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, बहुत इजी से थोड़ा सा मॉडरेट, बाकी इजी ही था पूरा पेपर। तो अभी थोड़ा सा लेवल उन्होंने अप किया है सेकंड शिफ्ट का, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। किस सब्जेक्ट में चेंजेस किए हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में चेंजेस देखने को मिला है, बाकी सब्जेक्ट में भी थोड़ा थोड़ा। बाकी जैसे बॉटनी में से रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आ रहे थे, वही आए हैं। विटामिन से आए हैं बोट उनमें, तो उससे भी क्वेश्चन देखने को मिला है। बाकी साइंटिफिक नेम, एक वैज्ञानिक नाम से जो साइंस मिला था वो मिला था, ठीक है। अब इंग्लिश का देख लेते हैं क्या चेंज हुआ है। एंटोनिम सिनोनिम कुछ ज़्यादा संख्या में आए थे, दो या तीन दोनों ही। स्पेल करेक्ट थी दो, आई थिंक तीन, ठीक है। मैनेजमेंट और एक और कुछ थी, मैग्निफिकेंट या ऐसा कुछ, तो दो या तीन स्पेल करेक्ट थी। फ्रेजल वर्ब थी ब्रेकडाउन और ब्रेकअप की, एक हादोर थी, दो या तीन फ्रेजल वर्ब थी। टेंस के दो क्वेश्चन थे, ग्रामर से टेंस से क्वेश्चन उठाए थे, और एक हादोर कुछ चैप्टर का था। ईडीएम के थे एक या दो क्वेश्चन, पीक्यूआरएस के 3 या 4 क्वेश्चन, और बहुत इजी आ रहा है पीक्यूआरएस, बहुत इजी। 1-2-6 वाला नहीं आ रहा है कि 1-2-6 पीक्यूआरएस, ऐसा नहीं है, डायरेक्टली आपको ओनली पीक्यूआरएस, और बहुत इजी आ रहा है, सबसे बना जा रहा है। स्पेल करेक्ट भी जो नॉर्मली अपन यूज़ करते हैं डेली, वही पूछी जा रही है, बहुत ईजी, ठीक है। बट ग्रामर के क्वेश्चन थोड़ी वोकैब अच्छी कर लेना, एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड भी आए हैं, ठीक है। थोड़ी वोकैब अच्छी होगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि टेंस से जैसे दो क्वेश्चन मिले, एरर का कोई क्वेश्चन नहीं था, एरर का कोई क्वेश्चन नहीं था, सारे ब्लैंक वाले ही थे, बट इसी टाइप से पूछे गए थे थोड़े से। फर्स्ट शिफ्ट में देखा जाए तो उसमें वॉइस का क्वेश्चन था, नरेशन का क्वेश्चन थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन थे। अभी सेकंड शिफ्ट में मैंने जिससे बात करी है उन्होंने बोला है, मतलब जिनसे भी 2-4 से, कि इनके क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। अगर आपके पेपर में आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और बाकी बॉटनी जूलॉजी में वही रहा है, रिप्रोडक्शन से और भी जिन टॉपिक से सुबह क्वेश्चन थे। बॉटनी जूलॉजी के क्वेश्चंस में डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और हार्मोन से रिलेटेड थे, बाकी साइंटिफिक नाम का बोला है मैंने उससे थे। रिप्रोडक्शंस का जो सुबह जो जिस टॉपिक से उठाया था उससे अभी भी क्वेश्चन बना है। बात करें अगर फिजिक्स की, फिजिक्स केमिस्ट्री में इतने क्वेश्चंस सबको याद रहते नहीं है, बट फिर भी प्रकाश से जो सुबह क्वेश्चन बना था उससे अभी भी बना था, और जो न्यूमेरिकल थे 2-3 जो फॉर्मूला बेस्ड थे बिल्कुल वन लाइन फैक्ट, वो अभी भी पैटर्न वैसा ही था। बाकी केमिस्ट्री का देखा जाए तो केमिस्ट्री में भी वही बहुत सिंपल से कुछ, जो जितना होता है ना कि हाँ 30-40% पेपर बिल्कुल इजी है, वो तो बहुत इजी आ रहा है। आईयूपीएसी नाम और ये वन लाइन के, बिल्कुल आपको सिर्फ फॉर्मूला याद है किसी का, है ना, सूत्र, तो भी आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। बातों पे नहीं जाना कि बहुत टफ आ रहा है, इतने से नंबर आए हैं, तो आपने जितनी तैयारी की है आपका 100% दो आप, वो सफिशियंट है, बिल्कुल नंबर आपके आएंगे और सिलेक्शन आपका होगा। आज के नंबर की बात की जाए तो सुबह से थोड़े कम है, फर्स्ट शिफ्ट में मुझे 87 देखने को मिले हैं, 80 और 72 इस टाइप से, लेकिन अभी 64 68 71 और इससे कम थे, 60 भी है, बाकी तो कम है ही। अभी थोड़ा सुबह से थोड़ा, बाकी के आए में होंगे पता नहीं है, बट मैंने जिनसे बात की है उनके यही नंबर मुझे देखने को मिले हैं। आप में से किसी के नंबर आए हो, किसी को क्वेश्चंस पता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बाकी को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।